आज हम इस वीडियो में राजमा की सब्जी बनाने वाले हैं बिना तामझाम के, जो बेहद ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो एंड तक बने रहें हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो ये मैंने 20 रुपए का राजमा लाया था जो 100 ग्राम के आसपास होगा। तो इसमें जो खराब वाले थोड़े राजमा होंगे उनको मैं निकाल लेती हूँ, इसको साफ कर लेती हूँ और इसको अच्छे से एक कटोरी में डालकर इसको पानी से धो लेती हूँ कम से कम 2 बार। और इसको पानी डालकर भीगने या फूलने के लिए 5-6 घंटे के लिए रख देती हूँ। अब मैंने इसको धो लिया है तो अब मैं इसमें पानी डालकर इसको फूलने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको धोकर और इसमें पानी डाल लिया है, ये फूल गए हैं, 5-6 घंटे हो गए हैं। जब मैंने इसको धोया तो मेरा कैमरा बंद था और इसमें मैंने एक चुटकी भर खाने का सोडा डाल दिया है, या बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। उसको हमने गैस पे पकने के लिए रख दिया है, उसको पकने देती हूँ। तब तक मैं ये जो बाकी की तैयारियां हैं वो कर लेती हूँ। ये मैं लहसुन को छील लेती हूँ, मैं प्याज को भी छील लेती हूँ, और मैंने एक ही छोटा टमाटर ले रखा है क्योंकि ज्यादा खट्टा आ जाता है तुमको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ज्यादा खट्टा खाना पसंद है तो एक और टमाटर ले सकते हैं। और मैंने 5-6 हरी मिर्च ले रखी है, ये सब डालने वाली हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ और ये जो लहसुन है इसको मैं गिलास में डाल देती हूँ और धोकर मिर्ची को भी इसमें डालकर कूट लूँगी। तो ये देखिए गरम हो गया है, तो जो इसका झाग है मैं उसको निकाल लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको बंद करके इसको 10 से 15 मिनट पकने देती हूँ। प्याज और टमाटर को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। अब हम तड़का के लिए सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये चक्कर फूल है, इसको मैंने ले रखा है, मैंने थोड़ा सा लिया है, ज्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और एक मैं तेज पत्ता ले लेती हूँ, तो ये देखिए काफी बड़ी पत्ती है तो मैं इसको एक ही ले रही हूँ। एक चुटकी शाह जीरा ले रही हूँ, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। और ये लौंग है जो मैं इसको 2 ही ले रही हूँ। ये काली मिर्च है जो 4 या 5 दाने हैं, तो इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ।
ये जावित्री है तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये देखिए, इसको मैं तोड़कर इसमें डाल देती हूँ। ये मैं जीरा ले रही हूँ, 1.5 चुटकी डाल रही हूँ इसको। अब मैं सारे मसाले एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये धनिया पाउडर है, आधा चम्मच ले लिया। ये हल्दी पाउडर है, जो 1/4 चम्मच ले लिया। और ये गरम मसाला है, जो इसको भी 1/4 चम्मच ले लिया। गरम मसाला को आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो ये लाल मिर्ची है, ये कूटी हुई है, मेरे पास यही है, तो मैं इसको मैंने ले लिया थोड़ा सा, आधा चम्मच के जितना। और ये राजेश मसाला है, इसको मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ, क्योंकि ये मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस मसाले को मैं ज़रूर डालती हूँ। जो घर के पीसे मसाले हैं, उससे सब्जियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। मसाले में ही मैं थोड़ा सा नमक मिला लेती हूँ, और लहसुन मिर्ची को मैंने कूट लिया है। मेरे पास अदरक नहीं था, तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला है। आपके पास हो तो आप लहसुन मिर्च के साथ कूट सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है पक चुका है। ये मेरा सीटी खराब हो गया है, तो सीटी दिया तो ये सीटी निकल गया, तो इसको मैंने डाल दिया। अब इसको मैंने नीचे उतार लिया है, इस पर कढ़ाई रख देती हूँ, इसको गर्म होने देती हूँ। गैस का फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया है। इसमें मैं राई या सरसों का तेल डाल रही हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, तभी जो खाने का चम्मच होता है उससे 4 चम्मच होगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक तेज पत्ता डाल दिया है, क्योंकि तेज पत्ता थोड़ी देरी से जलता है। तो और अब मैंने इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं, और इसको हमको जलने नहीं देना है। इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं इसमें मैंने लहसुन और मिर्च कूटी हुई डाल दी है, और इसको मैं हल्का भून लेती हूँ। मैं तो अगर मिर्ची होता है तो उसको बाद में डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत सरकता है, लेकिन मैंने आज पहले ही डाल दिया है। और अब मैं इसमें प्याज को डालकर और इसको कलर चेंज होने तक भून लेती हूँ। और मैं हाई फ्लेम पर ही भूनने वाली हूँ, भूनूंगी, क्योंकि अगर मैं मीडियम आलू फ्लेम पर भूनूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम पर ही भून रही हूँ। लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है। अब देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें मैं टमाटर डाल लेती हूँ। मैंने तेल काफ़ी कम डाला है, तो इसलिए तेल इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए लग रहा है अच्छे से नहीं भून रहा है। और आप चाहें तो इसमें तेल ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं जो हूँ, तेल हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए तेल कम डाला है। तो ये जो टमाटर है, गलेगा नहीं, तो इसमें नमक डालना पड़ता है, तब अच्छे से गल जाता है। तो मैं इसमें मसाला अभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने मसाले में नमक डाला है, तो साथ में मसाला और टमाटर दोनों भुन जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए, जले नहीं। मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अगर छोड़ देंगे चलाना तो मसाले जल जाएंगे। और जब मसाले तेल छोड़ने लगे कढ़ाई में, तो समझ लीजिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो ये जो है राजमा, मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसी पानी को मैं इसमें ग्रेवी के लिए डालूंगी। तो चलिए, इसको भी चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और मसाला जो है कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं आता है। ये देखिए, हमने इसको चला चला कर भून लिया है। तो ये जो पानी है, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ।
आप चाहें तो आपको ज्यादा ग्रेवी या करी रखना है, हम लोगों के भाषा में इसको जूस बोलते हैं, तो इसमें और पानी डाल सकते हैं, पर मुझे ज्यादा जूस नहीं बनाना है, मुझे टिफिन में देना है मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए मैं ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ। ये जो गिलास में मैंने लहसुन मिर्ची कूटी थी तो उसको धोकर, तो अब मैं इसको ढककर पकने देती हूँ कम से कम 10 मिनट। तो चलिए इसको 10 मिनट के बाद देख लेते हैं। ये देखिए जो करी थी वो भी बहुत कम हो गई है, जल गया है पानी इसका, और ये एकदम परफेक्ट पक चुकी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इसमें लाल मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया है, अगर आपके पास हो तो कर सकते हैं। वैसे हम लोग लाल मिर्ची का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारे घर में लाल मिर्ची किसी भी तरह की लाल मिर्ची होती नहीं है, कभी कभार वीडियो बनाने के लिए मैं लेकर आती हूँ। तो अब चलिए, अब मैं इसको टिफिन में भर कर मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ। मैंने सर्विंग बाउल में सर्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टिफिन में देना था, मैं इसको टिफिन में भर देती हूँ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दीजिएगा।